खबर लखनऊ से है, जहां पर 24 घंटे में 507 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें कि इंदिरा नगर, आशियाना, अलीगंज, गोमती नगर, चौक में संक्रमण बढ़ा है। वहीं आलमबाग, अमीनाबाद, रकाबगंज में भी लगातार कोरोना का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं राजधानी में 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई, तो लखनऊ में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 4,345 हुई है। वहीं कोरोना से अब तक यहां पर 120 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लखनऊ में स्तर कोरोना का बिगड़ता हुआ, हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोजाना जो नए मामलों की संख्या है वो बढ़ रही है और 507 पिछले 24 घंटे में देखें तो 507 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। और ये इलाके जो हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो है इंदिरा नगर, आशियाना, अलीगंज, गोमती नगर चौक और आलमबाग है, अमीनाबाद और रकाबगंज। तो ये वो इलाके हैं जहाँ से रोजाना देखा जाए तो एकानेक करके जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, स्थिति बदतर से बदतर कहें तो सामने आ रही है, ये कुछ ऐसे इलाके जहां से रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, इन इलाकों को लेकर क्या कहा जाए कि आने वाले वक्त में कुछ सख्ती होगी, कुछ निर्देश इनके लिए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं अगर कि राजधानी लखनऊ में, यूपी समेत राजधानी लखनऊ में लगातार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के भी हो गया, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से अगर देखा जाए जुलाई के माह से तो संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कल से 24 घंटे की बात की जाए तो 507 मरीज मिले हैं, इससे अस्पतालों में संख्या लगातार बढ़ गई है। 4,345 एक्टिव केस राजधानी लखनऊ में हो चुके हैं, कोई भी अस्पताल नहीं बचा हुआ है। लोग ज्यादातर संक्रमण हो रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ज्यादातर है कि कुछ मरीजों को जो है जो कोरोना हो रहा है उसमें ज्यादा घातक नहीं है, जिस वजह से लोग जो है होम क्वारंटीन की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर घरों पर रह रहे हैं। लेकिन कुछ एरियो में जहां पर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जैसे इंदिरा नगर है, आशियाना है, अलीगंज, गोमती नगर, आलाबाग, इन एरियो में लगातार जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हो रही है कि इन एरियो को अभी तक सीज नहीं किया गया। लगातार इन एरियो में संक्रमण बढ़ रहा है, यहाँ के लोग लगातार दहशत में है। लेकिन जो है स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है, इस वजह से संक्रमण की पुष्टि निकल रही है, लेकिन लोग भी लापरवाह बन रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए जो रोजाना मामलों में इजाफा हो रहा है, लोगों की लापरवाही सबसे ज्यादा सामने आ रही है। धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।